आज हम आ गए हैं बेलूर मठ और इस वीडियो में आप जानोगे बेलूर मठ के बारे में। बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इस मठ के भवनों की वास्तु में हिंदू, ईसाई तथा इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है, जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। इसकी स्थापना सन 1887 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। गंगा तट पर बने बेलूर मठ परिसर में श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और विवेकानंद के मंदिर हैं। स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण देव के अन्य शिष्य भी यहीं रहे थे। माँ शारदा देवी भी खुद यहाँ कई बार आई थी। जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ली थी, वो कमरा आज यहाँ आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी यही है। एक विश्वविद्यालय, एक डिग्री कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक, कई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेलूर मठ के पास ही बने कैंपस में चलते हैं। संन्यास लेने से पहले स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्रनाथ था। उनका जन्म कोलकाता के समृद्ध परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ। नरेंद्रनाथ 16 वर्ष की उम्र में कॉलेज के दौरान रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद विवेकानंद ने सन्यासी के तौर पर पूरे देश की यात्रा की। वो 1893 में अमेरिका चले गए और वहां 11 सितंबर से 27 सितंबर तक शिकागो के धर्म महासभा में अपना मशहूर भाषण दिए। अमेरिका और इंग्लैंड में 3.5 साल तक भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के बाद सन 1897 में भारत वापस आए। भारत वापस आते ही विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन यहीं बेलूर मठ में हो गया। बेलूर मठ परिसर में कुल 8 मंदिर हैं। पहला श्री रामकृष्ण मंदिर, जिसे 14 जनवरी 1938 में बनवाया गया। दूसरा है पुराना मंदिर, जो कि रामकृष्ण देव के मुख्य मंदिर के उत्तर पूर्वी में है। ये वही पुराना मंदिर है जहां जनवरी 1891 में नए मंदिर के बनने तक श्री रामकृष्ण देव की रोज पूजा होती थी। स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु भाई यहाँ रोज पूजा ध्यान किया करते थे। तीसरा है स्वामी विवेकानंद कक्ष। ये पुराने मंदिर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसी कमरे में स्वामी विवेकानंद रहते थे। यही 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद महासमाधि में लीन हो गए। चौथा है स्वामी ब्रह्मानंद मंदिर, जिसका स्थान श्री रामकृष्ण देव के 16 शिष्यों में स्वामी विवेकानंद के ठीक बाद था। वह मठ और मिशन के पहले अध्यक्ष थे। जिस जगह पर स्वामी ब्रह्मानंद का अंतिम संस्कार हुआ, वहीं पर ये मंदिर है। मंदिर का निर्माण 1924 में पूरा हुआ था। पांचवा है माँ शारदा मंदिर। माँ शारदा का मंदिर गंगा के स्नान घाट के पास मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण 21 दिसंबर सन 1921 को पूरा हुआ था। यहाँ माँ शारदा देवी का अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं पर मंदिर बना है। माँ शारदा को गंगा से बहुत लगाव था, इसलिए मंदिर का द्वार गंगा की ओर है। छठा है स्वामी विवेकानंद मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 18 जनवरी 1924 को पूरा हुआ। यह मंदिर 2 मंजिलों में है। ऊपरी मंजिल से संगमरमर से बना ओम का प्रतीक है, जो कि बांग्ला में लिखा हुआ है। ये मंदिर ठीक उसी जगह पर बना है जहां विवेकानंद का अंतिम संस्कार हुआ था। मंदिर के बगल में एक बेल का पेड़ है, जिसके नीचे स्वामी विवेकानंद अक्सर बैठा करते थे। सातवीं है समाधि पीठ। इस जगह पर श्री रामकृष्ण देव के 16 सन्यासी शिष्यों में से 7 शिष्यों का अंतिम संस्कार हुआ था। उन सभी के नाम संगमरमर पर खुदे हुए हैं। आठवां है पुराना मठ। ये गंगा के किनारे बेलूर मठ के दक्षिण में बना है। पहले ये जगह नीलांबर मुखर्जी नाम के एक आदमी का था। बेलूर मठ तैयार होने से पहले माँ शारदा देवी यहाँ कई बार ठहरी थी। अपनी नई जगह पर आने से पहले रामकृष्ण मठ 13 फरवरी 1898 से 1 जनवरी 1899 तक इसी बिल्डिंग में था। इसी कारण लोग इसे पुराना मठ कहते हैं। मंदिर में शाम के समय आरती शुरू होने से पहले 1 घंटी बजाई जाती है, ताकि आरती के समय लोग कहीं और ना जाएं।
यहाँ हर शाम श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ आने के बाद श्रद्धालुओं के मन में अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। यह जगह सचमुच बहुत ही आध्यात्मिक और शांत जगह है। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।